खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। बात अगली खबर की करते हैं। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होती दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। साथ ही 861 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस दौरान 7,19,364 सैंपल टेस्ट हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार तीसरे दिन कोरोना के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं, जिसके बाद देश में कुल अब तक 21,53,011 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 6,00,000 से ज्यादा लोग इस वक्त इलाज ले रहे हैं, जबकि 14,00,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। तो वहीं 43,000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से एक बड़ा इजाफा आंकड़ों में देखा गया है, जहां पर 64,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में ही 861 लोगों की कोरोना से जान गई है। लगातार भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उसने ब्राजील और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। लगातार नए मामलों की अगर हम बात करें तो भारत 5वें स्थान पर नजर आता है। तो वहीं मौत का आंकड़ा भी अब लगातार भारत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई राज्य बुरी तरीके से इसकी चपेट में हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 4,00,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश, गुजरात, यूपी, दिल्ली और एमपी में हालात बेहद खराब हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।